वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ टिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी

आगा रहे उनको भी हर एक वीडियो की आप लोगों तक पहुंच सके तो इंटरेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट होने, होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते

हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जोनला गाड़ा देखने को मिलेंगे एज ए लीड रोल में और अनुपमा अच आप लोगों को

एंड uh, यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़

वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज ए लीड रोल में और अनुपमा अच आप लोगों को

है यह बस और सी ही रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इस मूवी तो की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना

ये यूट्यूब के किसी भी चैनल पर अवेलेबल है एंड ना ही ये किसी और डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल की गई है यह कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को थिएटर्स के अंदर जाकर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए यह अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ अच्छा हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल तो इंटरेस्टिंग से, से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहां पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़

वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ अच लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को

है यह बस और सी ही रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हम इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों लो को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों लो को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना करना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो so, इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से फाइव परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए या फिर कोई शॉर्ट वीडियो ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन जो है वो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी की की सारी की सारी डायरेक्शन को मलिक राम ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी सारी की डायरेक्शन को हैंडल किया है, अगर हम बात करें इनकी जैसी दी है और अभी तिलो स्क्वायर जो है, वो भी की है, जो हाँ, काफी अच्छी है आप लोगों को एक एक चांस देना

ना ही ये यूट्यूब के किसी भी चैनल पर अवेलेबल है एंड ना ही ये किसी और डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल की गई है ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को थिएटर्स के अंदर जाकर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ अच्छा हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल

कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस आया नहीं जाएगा अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए या फिर कोई शॉर्ट वीडियो ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी

आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी जो है, वो जुबान की है। आप लोगों को ये प्योर हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेजेस में अभी देखने को मिल रही है लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन है कि कहां पर देखने को मिल रही है यूट्यूब पर अवेलेबल है या डिजिटली कहीं और अवेलेबल

वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ अच्छे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी तमाम सवाल के, के जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए

हैं टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ टिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज़ किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने यह मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज

एक, तो तो एक, एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए आज की इस वीडियो को एंड यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्त के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जोनल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज ए लीड रोल में और अनुपमा अच् आप लोगों को

है यह बस डिसेंट सी ही रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट टाइम है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इस मूवी की आई एम डी रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना

मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी की की सारी -की सारी डायरेक्शन को मलिक राम ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी सारी तो हाँ, नरुदू उसी के साथ साथ आप लोगों को अद्भुतम जैसी मूवीज दी है वेडिंग खिचड़ी जैसी मूवीज दी है और अभी तिल्लो स्क्वायर जो है वो भी प्रेजेंट किया है जो काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना

तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहां पर मैं बात कर रहा हूं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहां पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है

कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बसानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहां पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर, कर सकते वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ टिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी वाले हैं के ये बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहा तो जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए वो भी ऐसी वीडियो से आगा रहे उनको भी ये सारी की सारी जो है, वो मिलती रहेगा ताकि पहुंच सके तो वीडियो काफी जो है इंटरेस्टिंग होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं

हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज ए लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को

ध्यान दी ये बस एवरेज ही और डिसेंट सी रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना

मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस मूवी की की सारी -की सारी डायरेक्शन को मलिक राम ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी सारी तो नरुदू उसी के साथ साथ आप लोगों को अद्भुतम जैसी मूवीज दी है वेडिंग खिचड़ी जैसी मूवीज दी है और अभी तिल्लो स्क्वायर जो है वो भी प्रेजेंट किया है काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना

तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज़ किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल तो इंटरेस्टिंग है और हमारी इस वीडियो को एक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी आगाह रहे उनको भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को को पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर किया गया है एंड चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ टिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी वाले हैं कि ये बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहा तो जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए

टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हां हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में आप लोगों को यही दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है कि हां ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज़ किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल इंटरेस्टिंग तो से, से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी जो है वो मिलती रहे हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को

दी है यह बस और सी ही रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहां पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना

ही ये YouTube के किसी भी चैनल पर अवेलेबल है एंड ना ही ये किसी और डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल की गई है ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को थिएटर्स के अंदर जाकर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ अच्छा हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल तो इंटरेस्टिंग से, से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी आगाह रहे उनको भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे उसी के साथ हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में आप लोगों को यही दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है कि हां ये बहुत ज्यादा लेंदी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इसके अलावा इन्होंने और अभी प्रेजेंट की है, जो हाँ, काफी अच्छी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी जो है वो बनाई गई है एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को रिलीज बेसिकली कब किया गया तो ट्वेंटी

वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिलु स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहां पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल

कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज़ की कि क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो हाँ, इन्होंने उसी के साथ साथ आप लोगों को अद्भुतम जैसी मूवीज़ दी है वेडिंग खिचड़ी जैसी मूवीज़ दी है और अभी स्क्वायर जो है वो भी इन्होंने ही प्रेजेंट की है जो कि हाँ, काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी जो है वो बनाई गई है एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को रिलीज बेसिकली कब किया गया तो ट्वेंटी

ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ टिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज़ किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने यह मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़

है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज ए लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे यही दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना अपना अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है ये बहुत ज्यादा है बस और ही और डिसेंट सी रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना अच्छा ये अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 7.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से

मूवी की डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर की सारी -की सारी मलिक राम ने हैंडल किया जिन्होंने काफी कोई दी है या नहीं, तो हाँ, उसी के साथ साथ आप लोगों को जैसी दी है वेडिंग खिचड़ी मूवीज दी है और अभी तिल्लो स्क्वायर जो है वो भी ही की है काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना

तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहां पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल

कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यह मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 7.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से

डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर की सारी -की सारी मलिक राम ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से की, क्या? इसके कोई दी है या नहीं तो हाँ दू उसी के साथ साथ आप लोगों को अद्भुत जैसी मूवीज दी है वेडिंग खिचड़ी जैसी मूवीज दी है और अभी तिल्लो स्क्र जो है वो भी प्रेजेंट किया है जो हाँ काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना

ना ही ये YouTube के किसी भी चैनल पर अवेलेबल है एंड ना ही ये किसी और डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल की गई है ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को थियेटर्स के अंदर जाकर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए यह अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ टिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करें वाले हैं कि मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहा तो जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए

हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को को मिलेंगे बट एज अ लीड रोल में आप लोगों को यही दो कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है है एंड आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है। अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी टाइम ड्यूरेशन कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है कि ये बहुत ज्यादा

एंड uh, पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने नारुदू उसी के साथ साथ आप लोगों को अद्भुतम जैसी मूवीज दी है वेडिंग खिचड़ी जैसी मूवीज दी है और अभी तिल्लो स्क्वायर जो है वो भी इन्होंने ही प्रेजेंट की है जो कि हाँ काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी जो है वो बनाई गई है एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को रिलीज बेसिकली कब किया गया तो ट्वेंटी Of March 2024 में इस को रिलीज कर दिया गया है ये लेकिन ना ही यह यूट्यूब के किसी भी चैनल पर अवेलेबल है और ना ही ये किसी और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को थिएटर के अंदर जाकर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ अच्छे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्यर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज

वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को

डिस्क्रिप्शन दी है, ये बस एवरेज और डिसेंट सी रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 7.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से

डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर की सारी -की सारी मलिक राम ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से की, क्या? इसके कोई दी है या नहीं तो हाँ दू उसी के साथ साथ आप लोगों को अद्भुत जैसी मूवीज दी है वेडिंग खिचड़ी जैसी मूवीज दी है और अभी तिल्लो स्क्र जो है वो भी प्रेजेंट की है जो हाँ काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना

YouTube किसी भी चैनल पर, है, ना ही किसी और पर अवेलेबल की है, है। थिएटर्स के अंदर जाकर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज़ किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल

कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्यर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जोनला गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन है है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहां पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानी से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने नारुदू उसी के साथ साथ आप लोगों को अद्भुतम जैसी मूवीज दी है वेडिंग खिचड़ी जैसी मूवीज दी है और अभी तिल्लो स्क्वायर जो है वो भी इन्होंने ही प्रेजेंट की है जो कि हाँ काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी जो है वो बनाई गई है एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को रिलीज बेसिकली कब किया गया तो ट्वेंटी

ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सके वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्यर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़

है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को

डिस्क्रिप्शन या बस एवरेज और डिसेंट सी रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या है? इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की, की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो 7.5 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है जो कि काफी अच्छी खासी आईएमडीबी रेटिंग है एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से

डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहां पर इस की सारी की सारी डायरेक्शन को मलिक राम ने हैंडल किया जिन्होंने काफी अच्छे तरीके से की क्या, इसके कोई दी है या नहीं तो हाँ दूसरी के साथ साथ आप लोगों को अद्भुत जैसी मूवीज दी है वेडिंग खिचड़ी जैसी मूवीज दी है और अभी तिल्लो स्क्वायर जो है वो भी इन्होंने प्रेजेंट की है जो की हाँ काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना

YouTube किसी भी चैनल पर अवेलेबल है करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते वेल तो जी साल दो हजार चौबीस में बहुत अच्छा अच्छा कॉन्टेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज़ किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़

वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ अच लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को

बंदी है ये बस एवरेज ही और डिसेंट सी रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहां पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना

फाइव परसेंट तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप, लोग इस को एक चांस दे सकते हैं, आप लोगों का डायरेक्शन सारी सारी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए या फिर कोई शॉर्ट वीडियो ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन जो है वो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं

ही YouTube के किसी भी चैनल पर अवेलेबल है एंड ना ही ये किसी और डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल की गई है ये कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है आप लोग सिर्फ और सिर्फ इस मूवी को थिएटर्स के अंदर जाकर इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए यह अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल

कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहां पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहां पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहां पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन आउट ऑफ टेन इस मूवी की आई रेटिंग है जो कि काफ़ी अच्छी खासी आई रेटिंग है एंड इसी आई रेटिंग के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानव से नाइनटी तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों के सामने डायरेक्शन को किसने संभाला है क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए या फिर कोई शॉर्ट वीडियो ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी

आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस जाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी जो है वो बनाई गई है एंड अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी को रिलीज बेसिकली कब किया गया तो ऑफ मार्च में इस मूवी को रिलीज कर दिया गया है ये बेसिकली तेलुगु जुबान की मूवी है एंड आप लोगों को ये प्योर हिंदी और तेलुगु दोनों लैंग्वेजेज में अभी देखने को मिल रही है लेकिन आप लोगों का क्वेश्चन है कि ये कहां पर पर देखने को मिल रही है है अवेलेबल या डिजिटली कहीं और अवेलेबल

वेल तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ टिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करें करने वाले हैं कि मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहा तो जवाब आप लोगों को आज किस वीडियो में मिलने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिए

हर एक सीरीज़ के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज़ ए लीड रोल में और अनुपमा अच आप लोगों को

बंदी है ये बस एवरेज ही और डिसेंट सी रखी गई है तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जेनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड यहां पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना

फाइव तक लाइक किया गया जो कि काफी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोग इस मूवी को एक चांस दे सकते हैं आप लोगों का चांस आया नहीं जाएगा अगर हम यहां पर बात करें सारी सारी क्योंकि डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए या फिर कोई शॉर्ट वीडियो ही क्यों ना हो उसके लिए भी डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो इस मूवी की डायरेक्शन जो है वो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं

ना ही है, YouTube के किसी डिजिटली प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है नहीं है सिर्फ सिर्फ इंजॉय कर, कर सकते हैं क्योंकि ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर सकते वे तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हाँ तिल्लू स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल

कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी पहुंच सके तो वीडियो काफी ज्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्वायर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम ड्यूरेशन है एंड इसी टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहां पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहाँ पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आई रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आई रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानीब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को एंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमा घरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली एंजॉय कर सकते हैं तो जी साल 2024 में बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है जी हां तिलु स्क्वायर नेम से एक मूवी आई थी हम लोगों ने देखी आप लोगों ने भी देख रखी होगी हाँ ऐसे हाल फिलहाल में ही रिलीज़ किया गया है आप लोगों ने भी अगर ये मूवी देख रखी है तो वेल एंड गुड बट अगर आप लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को ये मूवी जो है वो एक मरतबा एक चांस इस मूवी को डेफिनेटली देना चाहिए जी हाँ यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टिल्लू स्क्वेयर के बारे में इसी मूवी के बारे में यहाँ पर हम आज की इस वीडियो में डिस्कशन भी करने वाले हैं कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल

कर दीजिएगा ताकि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बासानी पहुंच सके तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है तो आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एंड यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं टिल्लू स्क्वेयर के बारे में तो इसी मूवी के बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मूवी बेसिकली जो है वो किस तरह की बनाई गई है तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एंड बात करते हैं यहाँ पर टिल्लू स्क्योर के बारे में तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इस मूवी की कास्टिंग पर कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए जी हाँ हर एक मूवी या फिर हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि अगर कास्टिंग अच्छी होगी तो ऑब्वियसली उस मूवी में जान होगी उस मूवी में अदाकारी अच्छी की गई होगी एंड बहुत सारी चीजें जो है वो यहाँ पर मैटर कर जाती हैं तो यहां पर हम सबसे पहले कास्टिंग पर ही बात कर लेते हैं तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे सिद्धू जनरल गाड़ा देखने को मिलेंगे एज अ लीड रोल में और अनुपमा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे उसी के साथ आप लोगों को और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो वैसे देखने को मिलेंगे बट एज लीड रोल में

तो तकरीबन दो घंटे के राउंड अबाउट इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है जो कि कि मेरे हिसाब से बहुत ही सी टाइम टाइम ड्यूरेशन ड्यूरेशन है है एंड इसी के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी की जो है वो सारा का सारा जनर क्या है हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या एक्शन होगा ड्रामा होगा रोमांस होगा क्या होगा क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में बेसिकली क्या देखने को मिलेगा एंड uh, यहां पर इस मूवी की आई रेटिंग क्या है तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को कॉमेडी देखने को मिलेगी रोमांस देखने को मिलेगा उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर ड्रामा देखने को मिलेगा जो कि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड ये चीज देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस मूवी को एक चांस देना चाहिए अगर हम यहाँ पर बात करें इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की एंड गूगल के यूजर्स की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है एंड इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानब से कितने परसेंट तक लाइक किया गया तो सेवन

अगर हम बात करें इनकी पास्ट मूवीज की कि क्या इसके अलावा इन्होंने कोई मूवीज दी हैं या नहीं तो हाँ इन्होंने नारूदू उसी के साथ साथ आप लोगों को अद्भुतम जैसी मूवीज़ दी है वेडिंग खिचड़ी जैसी मूवीज दी है और अभी तिल्लो स्क्वायर जो है वो भी इन्होंने ही प्रेजेंट की है जो कि हाँ काफी अच्छी मूवी है आप लोगों को इनकी मूवीज को एक एक चांस देना चाहिए आप लोग इनकी मूवीज को एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा क्योंकि काफी अच्छी ये मूवी जो है वो बनाई गई है एंड अगर हम यहाँ पर बात करें कि इस मूवी को रिलीज बेसिकली कब किया गया तो ट्वेंटी

ये वहां पर अवेलेबल है आप लोगों को डेफिनेटली डेफिनेटली इस मूवी को इंजॉय करना चाहिए ये अभी आप लोगों के करीबी सिनेमाघरों में लगा दी गई है आप लोग इस मूवी को वहां पर जाकर डेफिनेटली इंजॉय कर, कर सकते